हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोटर राइड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो लंबी नहीं है, छोटी है। इस छोटी वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे कि हमें किन किन बातों का पालन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज है दिवाली, तो दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी और आपके पूरे फैमिली को। दोस्तों, हम आपके लिए एक खास टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम आपको बताने वाले हैं कि कार या बाइक चलाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक से जुड़ी एक एक बात बहुत ही ध्यान से बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह याद रखना जरूरी है कि ड्राइव करते समय कभी भी सेलफोन का इस्तेमाल नहीं करें। दोस्तों, इस भागदौड़ की जिंदगी में सेलफोन यानी कि हमारा फ़ोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, कभी भी गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, वो चाहे कार हो या बाइक हो। दोस्तों, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। दोस्तों, यह भी हो सकता है कि ड्राइव करते समय एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी का आखिरी कॉल हो। तो कभी भी अगर आपका फ़ोन आता है उस समय, आप चाहे गाड़ी पर हो या बाइक पर, आप अपनी बाइक को बाजू में लगा लीजिए और फिर बात कर लीजिए, और बात होने के बाद फिर से आप अपनी गाड़ी को चालू करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यह टॉपिक खासकर महिलाओं के लिए है। दोस्तों, अक्सर देखते हैं कि महिलाएं भी ड्राइव करते समय मेकअप करने लगती हैं। दोस्तों, महिलाएं भी ड्राइव करते समय अन्य काम ना करें, जैसे कि गाड़ी चलाते समय मेकअप करना। दोस्तों, अक्सर लेडीज़ की हैबिट होती है कि ड्राइव करते समय मेकअप करती हैं, या फिर कार में बैठे बैठे अपनी कार का जो म्यूज़िक है उसका वॉल्यूम हाई कर देती है। उसके अलावा अपने कपड़े ठीक करती रहती हैं। दोस्तों, उनके ऐसा करने से आपका ध्यान सड़क से हट सकता है और आप एक बड़े हादसे का शिकार बन सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है, गाड़ी चलाते समय हेडफोन का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि बाइक या स्कूटर चलाते समय लोग हेडफोन या फिर ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यह बहुत ही गलत हैबिट है, आप इस हैबिट को चेंज करें अभी। दोस्तों, वाहन चलाते समय किसी भी हेडफोन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा तेज़ आवाज़ वाले स्पीकर अपनी गाड़ी में कभी ना बजाएं। और तो और, आप अपनी गाड़ी की स्पीड उतनी रखें जितना कि आप उसे कंट्रोल कर पाएँ। गाड़ी को कभी भी 120 या 150 की स्पीड पर ना चलाएं, खासकर अपनी बाइक्स को। दोस्तों, बाइक्स को अगर आप इतनी हाई स्पीड में चलाएंगे तो हो सकता है कि आप उस पर से अपना कंट्रोल खो दें। दोस्तों, कार में तो चलो अमूमन फोर व्हील ड्राइविंग होती है, वहाँ पर इतना नहीं मान चलता, लेकिन दोस्तों टू व्हीलर के लिए यह बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई आपके साथ कोई प्लेन बैठा है उस समय तो आप यह गलती भूल से भी न करें। अगर दोस्तों आप कार में हैं और आपके साथ कई लोग बैठे हैं तो उस समय भी यह गलती ना करें, और कार में बैठते वक्त या फिर गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। आप भी करें और जो साथ में बैठा है उसको भी बोले करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान खाने पीने की चीज़ों से बचें। अगर आपको कुछ खाना है तो यात्रा खत्म होने का इंतजार करें, या फिर गाड़ी को साइड में रखकर कुछ खा पी लें। लेकिन दोस्तों, रनिंग गाड़ी में यानी चलती गाड़ी में खाना पीना ना खाएं। दोस्तों, इससे होगा कि आपका ध्यान भटकने में देरी नहीं लगेगी। और तो दोस्तों, गाड़ी चलाते समय सिगरेट या दारू ना पिए, इससे बचें। दोस्तों, अगला है ट्रैफिक सिग्नल के नियमों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आती है रेड लाइट यानी लाल बत्ती। लाल बत्ती काफ़ी दूर से दिखाई दे जाती है और इसका इस्तेमाल गाड़ी रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों, लाल सिग्नल का यह भी मतलब होता है कि आगे आपको खतरा है। दोस्तों, उसके बाद आता है पीला रंग, इसका मतलब यह होता है कि आप वाहन के इंजन को स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और आखिर में आता है हरा रंग। दोस्तों, तीसरा हरा रंग खतरे से विपरीत है। जैसे लाल रंग का प्रयोग वाहन रोकने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार हरा रंग वाहन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हरे रंग का मतलब है आगे रास्ता खाली है, आप आगे बढ़ सकते हैं।
दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है फोर व्हीलर वालों के लिए। दोस्तों फोर व्हीलर वाले हमेशा सीट बेल्ट बांध कर रखें, और अगर कोई साथ है तो उसे भी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहें। इमरजेंसी गाड़ी जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियों को आगे जाने का रास्ता दें। दोस्तों चौराहे पर गाड़ी की स्पीड को कम रखें और आगे चलने वाली गाड़ी से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा हमेशा गाड़ी को अपनी लेन में चलाएं और दूसरी लेन में ना जाएं, और अगर जाते भी हैं तो प्रॉपर पीछे देखें और इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, उसके बाद ही अपने लेन को चेंज करें। दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल को कभी अनदेखा ना करें और पैदल चलने वाले लोग को पहले रोड क्रॉस करने दें। चलो दोस्तों 18 वर्ष से कम वाले को ड्राइव ना करने दें। अगर सड़क बिजी है तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क ना करें। दोस्तों हो सकता है कि आपकी वजह से बाकी लोग को इसका प्रॉब्लम फेस करना पड़े। दोस्तों शहर में अपनी स्पीड पर लगाम रखें, वहाँ दोस्तों अपनी गाड़ी को तेज ना भगाएं। अब दोस्तों अगला पॉइंट टू व्हीलर वालों के लिए है, यानी कि हम जैसे बाइकर्स के लिए है। दोस्तों अगर आप टू व्हीलर पर हैं तो एक अच्छी और मजबूत क्वालिटी वाला हेलमेट पहने। दोस्तों आप चाहे तो स्टील बड या फिर और भी कई तरह के हेलमेट आते हैं, जैसे कि वेगा हो गया। दोस्तों कभी भी सस्ते हेलमेट का सहारा ना लें। दोस्तों सस्ते हेलमेट तो आपको पुलिस से बचा लेंगे लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं बचा पाएंगे, तो कभी भी आप हेलमेट का उपयोग करें तो बढ़िया से बढ़िया हेलमेट का यूज़ करें। दोस्तों हेलमेट जो है आपकी सुरक्षा के लिए होता है। दोस्तों इसके अलावा मुड़ते वक्त इंडिकेटर देना मत भूलिए, और आगे और पीछे वाले ब्रेक का इस्तेमाल सही तरीके से करिए। दोस्तों एक सेफ डिस्टेंस बनाते हुए ड्राइव करें। दोस्तों गाड़ी चलाने से पहले आगे और पीछे की लाइट को अच्छे से चेक कर लें, और कभी भी टेढ़े मेढ़े तरीके से ड्राइव ना करें। दोस्तों कुछ लोग तो हाईवे पर ज़िगज़ैग करते होते हैं, यहाँ से वहाँ करते होते हैं, तो आप ऐसी ड्राइविंग ना करें। दोस्तों अपनी गाड़ी पर कभी भी अधिक वजन ना डालें। दोस्तों ड्राइविंग करते समय हमेशा दिमाग को फ्रेश रखें, वरना आपका मामला बिगड़ सकता है। सो दोस्तों ये थे आज के कुछ नियम जो कि आपको वाहन चलाते समय याद रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, एंड दोस्तों आपको और आपके फैमिली को हैप्पी दिवाली।